नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर सामने आई है वसई के गिरिज से, जहां गन फायर होने से एक महिला इंजर्ड हो गई है। दरअसल यह घटना ऐसी है कि गिरिज क्षेत्र के निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको खुद को आवारा कुत्ते द्वारा काट लेने के बाद गुस्से में अपने घर पे रखी एयर गन से उस कुत्ते के ऊपर फायर किया। तब कुत्ता कहीं दूर हट गया और एयर गन से निकला हुआ जो छर्रा था वो उस महिला के पैर में जा लगा, जिससे महिला इंजर्ड हो गई और महिला को वसई के बंगली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये काफी चौंका देने वाली घटना सामने आई है वसई के गिरिज से। तो इस मामले में हमने वसई के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कल्याण राव करपे से बातचीत की और उन्होंने इस मामले की पुष्टि करते हुए अपना बयान भी जारी किया। वो बयान आप आगे देखिए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर गिरिज क्षेत्र में आज फायरिंग हुआ, क्या मामला है? आज 12:15 के आसपास एक माइकल जॉन कुटिनगर के 72 इयर्स ओल्ड आदमी, वो रहता है लेम्बटवाड़ी गिरिज में, उधर उसके जो कुत्ता है, कुत्ते को भटकने वाला कुत्ते ने काटा। गुस्से में उसने एयरगन से, वो जो कुत्ता है उसके दिशा में फायर किया एयरगन से। तो फिर सामने वाले एक सरिता भोईर करके लड़के आ रहे थे, उसको एयरगन का छरा लगा, वो जो इंजर्ड है उसके ऊपर उपचार बंगला अस्पताल में चालू है। इस मामले में किस तरह का मामला दर्ज हुआ, क्या हुआ? इसके बारे में वसई पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर हो गया अंडर सेक्शन 336-338 IPC। सर, हथियार था वो लाइसेंस शुदा है कि? वो एयरगन है, उसके घर में से 2 एयरगन पुलिस ने जब्त किए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी की पकड़ धकड़ हुई? आरोपी को इंक्वायरी पर लाया है, इंक्वायरी जारी है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।